हम तरबूज तो खा लेते हैं और लेकिन तरबूज का छिलका फेंक देते हैं, इसको जानवर खाते हैं। हम आज मैं इसको यूज करने का एक तरीका बता रही हूँ, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मुरब्बा बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कैंडी है बना सकते हैं। और ये जिनके हाथ पैर में जलन होती है, तो हम नहाने के आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले इसको हाथ पैरों में घिस लेंगे, तो इससे जलन भी सही हो जाती है। और हम इसको बालों में भी लगा सकते हैं, इससे आज मैं डैंड्रफ सही हो आपको जाते हैं। तरबूज के छिलके का इसका मुरब्बा बनाना बताऊंगी। और आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो ये इसके लिए देखिए इंग्रेडिएंट्स, ये मैंने 1.5 kg तरबूज के छिलके लिए हैं, और इलायची है, और ये दालचीनी, और 1 कटोरी चीनी है। तो इसको हम सबसे पहले छील लेंगे ऐसे, ये छिलके जो है ऐसे पतले पतले उतार लेंगे, ऐसे ऐसे इसके सारे छिलके उतार के। और इसको ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, ये इस तरह से सारे कट लेंगे। तरबूज के छिलकों को काट लिया है, और मैंने ये गैस पे पानी चढ़ा दिया, पानी गर्म हो गया। इसमें हम इसको उबाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको मैंने डाल दिया 5 मिनट के लिए इसको उबाल के, फिर देख लेंगे, बीच में चेक कर लेंगे, इसको ढक देंगे। और ये हम इलायची और दालचीनी को कूट लेते हैं। ये देखिए थोड़े से ट्रांसपेरेंट टाइप के होने लगते हैं, तो हम इनको बंद कर देंगे गैस को, और इसको पानी इससे निकाल देंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे छान के रख देंगे जिससे इसका पानी सब निकल जाए। फिर उसके बाद दूसरे बर्तन में करके चीनी उसमें डाल के ऐसे रख देंगे जिससे चीनी इसमें घुल जाएगी। हमको इस पे अभी आंच पे नहीं चढ़ाना, बस ऐसे ही चीनी डाल के रख देना है। इसका सारा पानी छन गया, अब हमको जिस बर्तन में इसको बनाना है उसी में ऐसे डाल देंगे, और ऊपर से चीनी डाल देंगे, और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिससे चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी चीनी जो है इसमें मेल्ट हो गई है, सारा पानी इसमें छोड़ दिया चीनी ने। तो अब हम इसको गैस पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जब तक ये थोड़े सा चिपचिपा सा ना हो जाए। हमको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, लेकिन इतना गाढ़ा हो जाए कि ये हम ऐसे छुएंगे जब, तो थोड़ा सा हल्का सा तार सा दिखे। तो इसको हम ऐसे गैस पे चढ़ा के पका लेंगे। और ये जो जायफल और इलायची हमने कूटी थी वो भी इसी में डाल देंगे। बिल्कुल जरा सा हम येलो कलर डाल देंगे, उससे जो है देखने में अच्छा लगेगा। इसको मिक्स कर देंगे। आंच को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे जिससे थोड़ा सा पकता भी रहेगा, और जो ये जूस है ये भी जल जाएगा इसमें। धीरे धीरे चाशनी अच्छी बन जाएगी। ये देखिए मुरब्बा बनकर तैयार है। ये इसकी चाशनी देखिए ऐसे थोड़ा सा तार आने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और 3-4 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको कंटेनर में भर के रख लेंगे, और जब मन चाहे आपका खाइए। और इसको हम 15-20 दिन तक, तो ऐसी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करिएगा।